हेलो गाइस, हाउ आर यू। कल हमने एक वीडियो बनाया था और आपने देखा भी होगा। हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में लिख करके कि वो वीडियो कैसा रहा और उसमें क्या कमियां थी, उसके विषय में भी हमें बताइएगा, ताकि मैं और इम्प्रूव करके आपको वीडियो देता रहूं और आपकी ज़रूरतों के लिए, आपकी ज़रूरतों के हिसाब से मैं आपको सामग्री पहुँचाता रहूँ। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो भारत के भौतिक प्रदेश के विषय में, यानी फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया। भारत के भौतिक प्रदेशों को मुख्यतः चार भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, उसे इंग्लिश में कहते हैं नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स। तीसरा है आपका दक्षिण का पठारी व प्रायद्वीपीय क्षेत्र, सदर्न प्लेटू एंड पेंसुला रीजन। और चौथा है आपका कोस्टलाइन रीजन अर्थात समुद्रतटीय क्षेत्र। तो यहां पर हमने इन चारों भौतिक प्रदेशों को चार पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसके चारों पार्ट्स आपको अलग अलग वीडियो के रूप में मिलेंगे। ठीक है, तो आज मैं अपना पहला पार्ट फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया का शुरू करने जा रहा हूं। उसका नाम है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ओके, तो ये पार्ट वन के अंतर्गत आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन है। तो नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन की क्या क्या विशेषताएं हैं यहां पर हमने रिप्रेजेंट किया है। देखिए, पहला पॉइंट यह है कि उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है यह भारत में पश्चिमोत्तर यानी जम्मू कश्मीर राज्य से लेकर के पूर्व तक अरुणाचल प्रदेश तक चापाकार रूप में, जिसे हम धनुषाकार रूप भी कह सकते हैं, चापाकार रूप में विस्तृत है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में यह है कि इसकी जो कुल लंबाई है वो पश्चिमोत्तर यानी जम्मू कश्मीर राज्य से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। तीसरा पॉइंट यह है कि इसकी चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 160 से 400 किलोमीटर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पूर्व इसकी चौड़ाई है वो अपेक्षाकृत कम है और पश्चिम में जो इसकी चौड़ाई है वो अत्यधिक है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई देखा जाए तो 6000 मीटर है। ठीक है, यह जो ऊंचाई है यह समुद्र तल से मापी जाती है। ठीक है, किसी भी प्रदेश को पढ़ने से पहले हमारे लिए जानना नितांत आवश्यक हो जाता है कि उस प्रदेश की उत्पत्ति कैसे हुई। तो यहां पर चूंकि हम हिमालय पर्वत के विषय में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहां पर एक हेडिंग है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, यानी ओरिजिन ऑफ हिमालय माउंटेन। ठीक है, तो यहां पर देखिए हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित दो सिद्धांत हैं। एक आपका एंसेंट व्यू है यानी प्राचीन विचारधारा है, और दूसरा आपका प्लेट विवर्तन की है यानी प्लेट टेक्टोनिक्स है। तो मित्रों, आज हम पहले बात करने जा रहे हैं एंसेंट व्यू पर, प्राचीन विचारधारा पर। ठीक है, तो ऑल ऑफ यू नो दैट इन एंसेंट टाइम नियर अबाउट 70,000 करवर्स एगो ऑल द प्लेट ऑल द कॉन्टिनेंट ज्वाइंट विथ ईच अदर, वी कैन से द पेंजिया। आफ्टर सम टाइम पेंजिया डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, नॉर्दर्न साइड सिचुएटेड इज कॉल्ड अंगारा लैंड एंड सदर्न साइड सिचुएटेड इज कॉल्ड गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो यहां पर जो अंगारा लैंड है और गोंडवाना लैंड है, जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ विस्थापित हुए, तब उस समय बीच में जो एक भूसन्निधि थी जिसका नाम था टेथिस सागर, उस सागर में अवसादों के जमाओं के परिणाम स्वरूप, ठीक है, और साथ में इन दोनों भूखंडों के दबाव के परिणाम स्वरूप यहां पर वलन पड़ना प्रारंभ हो गया। और यह वलन जब एक विस्तृत रूप में फैल गया, तब उससे एक पर्वत की उत्पत्ति हुई जिसे हिमालय पर्वत कहा जाने लगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए ये जो है पूरा का पूरा जो भूखंड है एक पेंजिया है। पेंजिया का जो अदर नाम है वो है सुपर कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये जो पेंजिया है ये टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ। एक जो पार्ट है वो उत्तर की दिशा में गया, जिसे हमने कहा अंगारा लैंड, इसे एक नाम और दिया जाता है लारिशिया खंड, और दूसरा जो दक्षिण की दिशा में स्थित है इसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। ठीक है, और यहां पर आप जो देख रहे हैं ये टेथिस भूसन्नति है। भूसन्नति को इंग्लिश में कहते हैं जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन का मतलब होता है कि दो उठे हुए भाग के बीच में कोई समतल क्षेत्र। तो यहां पर देखिए एक उठा भाग अंगारा लैंड है और यहां पर एक उठा भाग गोंडवाना लैंड है, और उनके बीच का यह जो क्षेत्र है वो समतल क्षेत्र है, अर्थात टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। तो जब ये गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दोनों एक दूसरे की तरफ विस्थापित हुए, तो
इनके दबाव के कारण इनमें पड़े अवसादों में वलन पड़ना शुरू हो गया। तो टेथिस सागर में जब वलन पड़ना शुरू हो गया तो यह वलन लंबे समय के बाद एक विस्तृत वलन के रूप में परिवर्तित हो गया, जिससे कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। तो यह बात आपको समझ में आ गई, ये आपका हिमालय की उत्पत्ति का प्राचीनतम विचारधारा रही है। ओके, अभी आपने पढ़ा कि एंशियंट व्यू फॉर द ओरिजिन ऑफ हिमालयन रेंज, लेकिन सेकंड में आप ये पढ़ने जा रहे हैं कि हिमालय की उत्पत्ति की जो मॉडर्न व्यू है, अर्थात जिसे हम कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी का मतलब होता है प्लेटों में संचलन, प्लेटों में गतियां, ठीक है। लेकिन प्लेटों में गतियों को जानने से पहले हमारे लिए जानना नितांत आवश्यक हो जाता है कि आखिर प्लेट है क्या। एक स्कॉलर है, उनका नाम है टूजो विल्सन। टूजो विल्सन से पूछा गया कि भैया टूजो, ये प्लेट क्या होता है? तो प्लेट के विषय में उन्होंने बताया कि प्लेट अ लेयर 100 to 150 किलोमीटर अ थिक लेयर दैट ऑलवेज मूव सराउंडिंग द बोथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल विच से द प्लेट। टूजो विल्सन ने बताया कि प्लेट वो होती है जो 100 to 150 किलोमीटर मोटी परत होती है और जिसमें गति होती है दोनों ध्रुवों के चारों तरफ। ओके, अब यहां पर देखिए जो ये गतियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो यहां पर तीन प्रकार की स्थितियां पैदा होती हैं। पहला, वेन टू प्लेट स्लाइड टूवर्ड विथ ईच अदर, यानी जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं, वेन टू प्लेट स्लाइड टूवर्ड विथ ईच अदर, जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जाती हैं, वेन टू प्लेट स्लाइड अपोजिट साइड विथ ईच अदर। तीसरी स्थिति यह है जब दो प्लेट एक दूसरे के पैरलर वे में मूव करती हैं, अर्थात समानांतर मूव करती हैं, वेन टू प्लेट स्लाइड पैरलर वे विथ ईच अदर। तो यहां पर जो हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित जो व्यू है उसमें यह बताया गया कि वेन टू प्लेट स्लाइड टूवर्ड विथ ईच अदर, यानी जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं, देन वेटेड प्लेट ऑलवेज सबडक्ट इन टू द लाइट प्लेट नियर अबाउट 100 किलोमीटर जोन फाइंड वी कैन से द एस्थेनोस्फियर देयर इज अ फाउंड अ वेरी हाई टेम्परेचर नियर अबाउट 1100 डिग्री सेंटीग्रेड एट दिस टेम्परेचर एनी बेडरॉक मेल्ट ऑफ ए मेल्टिंग इन कन्वर्ट इन टू द मैग्मा एंड द गैस वेन द गैस फ्लो आउटसाइड विद द मैग्मा देन इट प्रेस द अपर लेयर ऑफ द बेडरॉक्स, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं तो उसमें जो भारी प्लेट होती है वो हल्के प्लेट के नीचे चली जाती है, छिपित हो जाती है, और ऐसी स्थिति में जैसे ही वो 100 किलोमीटर में जाती है वहां का टेम्परेचर अधिक होता है, उसे दुर्बलता मंडल कहते हैं। टेम्परेचर अधिक होने की वजह से वह मेल्ट हो जाती है और मेल्टिंग के पश्चात यहां पर मैग्मा और गैस बनता है। ये जो गैस है, गैस का गुण होता है फैलने का, ये गैस मैग्मा को लेकर के ऊपर की तरफ निकलने का प्रयास करती है, लेकिन जब इसे किसी प्रकार का कमजोर पटल नहीं मिलता है, वीकेंड पॉइंट नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में यह यहां पर प्रेशर लगाता रहता है और इस प्रेशर के परिणाम स्वरूप लंबे समय पश्चात यहां पर वलन पड़ना शुरू हो जाता है और इस वलन के परिणाम स्वरूप ही भारत में, नेपाल में, ठीक है, चाइना में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो हिमालय पर्वत का जो विकास हुआ है वो प्लेट विवर्तन की क्रियाओं के द्वारा हुआ है। यहां पर देख लीजिए, यहां पर एक इंडियन प्लेट है, एक यूरेशियन प्लेट है। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की अपेक्षा भारी है। जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इंडियन प्लेट सबडक्ट हो रही है और यहां पर मेल्ट हो रही है। मेल्टिंग के पश्चात क्या हो रहा है, मैग्मा गैस बन रही है। यही मैग्मा गैस के साथ जब ऊपर की तरफ जाता है तो इस पर प्रेशर लगाता है, क्योंकि यहां पर इससे वीकेंड पॉइंट नहीं मिला और प्रेशर की वजह से यहां पर देख रहे हैं आप वलन पड़ गया है प्लेटों में। इसी वलन को यहां पर कहा गया है हिमालय पर्वत, ठीक है। तो यहां पर हिमालय पर्वत से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वर्तमान समय में, वो ये पूछा जाता है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किसकी वजह से हुई। तो आप बताएंगे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति प्लेट विवर्तन की क्रियाओं से हुई है, प्लेट टेक्टोनिक्स क्रियाओं से हुई है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों को मुख्यतः चार भागों में विभाजित किया गया है। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है, पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है महान हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय और चौथा है शिवालिक श्रेणी।
ठीक है। तो यहां पर देखिए ट्रांस हिमालय को टेथिस या तिब्बत हिमालय के नाम से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहा जाता है। पार हिमालय से तात्पर्य होता है कि जिस हिमालय की उत्पत्ति, ठीक है, या जिसका निर्माण हिमालय की उत्पत्ति से पहले हुआ हो उसे पार हिमालय कहा जाता है। ठीक है, भारत में देखा जाए ट्रांस हिमालय की जो श्रेणियां हैं वो मुख्य रूप से तीन हैं, ठीक है, जिसमें काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है। यहां पर आप मैप में देखिए तो ये आपका काराकोरम है, ये आपका लद्दाख है और ये आपका जास्कर है। ठीक है, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी के विषय में अगर बात किया जाए तो काराकोरम पर्वत श्रेणी भारत की सबसे उत्तरतम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं इसके प्राचीनतम नाम की, तो काराकोरम को प्राचीन समय में कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता था। काराकोरम पर्वत श्रेणी को ही चाइना में, यानी आप कह सकते हैं चीन में, कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडवी नास्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी के पश्चिम में अर्थात पीओके अर्थात पाक अधिकृत भारतीय क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम लद्दाख की बात करते हैं। विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी राकापोशी है, जो लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है। और लास्ट में जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत शामिल पर्वत श्रेणी है वो है जास्कर। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है महान हिमालय। महान हिमालय का जो नाम है, अन्य नाम वो हिमाद्री है, आंतरिक हिमालय है और बृहद हिमालय है। ठीक है, महान हिमालय और ट्रांस हिमालय एक जोन के द्वारा अलग हुए हैं, उस जोन का नाम है सचर जोन या हिंज जोन। यहां पर आप मैप में देख सकते हैं कि महान हिमालय के अंतर्गत जो शामिल पर्वत श्रेणियां हैं वो हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है। आप देख सकते हैं नामचा बरवा, दूसरे नंबर पे कंचनजंगा, इसके बाद मकालू है, फिर इसके बाद माउंट एवरेस्ट है, फिर मनसालू है, फिर अन्नपूर्णा है, फिर धौलागिरी है और फिर उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी और कामेत। ठीक है, यहां पर कुछ पर्वत श्रेणियां उत्तराखंड में स्थित हैं जिसे हमने रिप्रेजेंट नहीं किया है, लेकिन हमने यहां पर उसका नाम दिया है, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल और नीलकंठ शामिल है। ठीक है, तो यहां पर जो आपसे क्वेश्चन पुट अप होता है महान हिमालय के अंतर्गत से, कि महान हिमालय के अंतर्गत शामिल पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम क्रम, तो यहां पर देखिए सबसे पूर्व में आपका नामचा बरवा है, फिर उसके पश्चिम में आते हैं तो कंचनजंगा है, फिर उसके पश्चिम में आते हैं तो मकालू है, और फिर उसके पश्चिम में आते हैं तो माउंट एवरेस्ट है, फिर मनसालू है, फिर अन्नपूर्णा है, फिर धौलागिरी है, फिर नंदा देवी है। ठीक है, इस बात पर गौर करिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में पुट अप होते रहते हैं। ओके, यहां पर देखिए जो नामचा बरवा पर्वत श्रेणी है यह हमारे महान हिमालय की सबसे पूर्वोत्तम पर्वत श्रेणी है, सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। फिर कंचनजंगा की बात की जाए तो कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रेणी की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। ठीक है, यहां पर हिमालय के अंतर्गत, महान हिमालय के अंतर्गत शामिल पर्वत श्रेणियों में नेपाल में स्थित है मकालू, माउंट एवरेस्ट, मनसालू, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, जिसमें माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है और यह विश्व की सबसे उच्चतम चोटी है। वर्तमान में जो इसकी ऊंचाई है वो 8850 मीटर है। इसे तीन अन्य नामों से जाना जाता है, पहला सागरमाथा, दूसरा गौरीशंकर और तीसरा तिब्बती भाषा में कहा जाता है चोमो लुंगमा, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं नंदा देवी और कामेत। नंदा देवी से एक क्वेश्चन पुट अप होता है, सन 2000, 9 नवंबर सन 2000 के पहले उत्तर प्रदेश विभाजित नहीं हुआ था, तो उस समय जो क्वेश्चन का पैटर्न था कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उस समय यह बताया जाता था कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। लेकिन 9 नवंबर सन 2000 को जब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में विभाजित हो गया तब इसका पैटर्न चेंज हो गया, तब यह कहा जाता है कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहां पर उत्तर दिया जाता है नंदा देवी है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मध्य हिमालय की, तो मध्य हिमालय को हम हिमांचल हिमालय या लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। तो महान हिमालय और मध्य हिमालय एक जोन के द्वारा अलग हुए हैं जिसे कहा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कुछ प्राकृतिक घाटियां पाई जाती हैं, नेचुरल वैलीज पाए जाते हैं, जिसे पश्चिम में कश्मीर की घाटी और पूर्व में काठमांडू की घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
यहां पर आप देख सकते हैं कि मध्य हिमालय के अंतर्गत पीर पंजाल है, धौलाधर है, नैनीताल है, मसूरी है, अल्मोड़ा है और दार्जिलिंग है। आप इस पर्वत श्रेणियों को मैप में देख सकते हैं। यहां पर देखिए पीर पंजाल ये है, धौलाधर ये है, इसके बाद आपके उत्तराखंड में स्थित है आपकी मसूरी, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, धौलाधर पर्वत श्रेणी ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसे प्राचीन समय में महाभारत पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं शिवालिक श्रेणी की। तो शिवालिक श्रेणी और मध्य हिमालय दोनों एक दूसरे से ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग हुए हैं। शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत मिसमी, डफला, अबोर जो भी पहाड़ियां स्थित है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आप यहां पर मैप में देख सकते हैं, ये आपकी मिसमी है, ये आपकी डफला है और ये आपकी अबोर पहाड़ियां हैं। ठीक है, यहां पर देखिए जो शिवालिक श्रेणी है और ये मध्य हिमालय है उसके बीच भी कुछ नेचुरल वैलीज पाई जाती है, प्राकृतिक घाटियां पाई जाती है जिसे पश्चिम में कहा जाता है दून घाटी जैसे देहरादून और पूर्व में कहा जाता है द्वार घाटी अर्थात जैसे कोटद्वार, हरिद्वार। और मध्य हिमालय तथा शिवालिक श्रेणियों के पर्वतीय ढालों के मध्य में कुछ ग्रासलैंड पाए जाते हैं जिसे कश्मीर में कहा जाता है मर्ग तथा उत्तराखंड में कहा जाए तो बुग्याल और प्यार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पर मित्रों यहां से जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं वो ये होते हैं कि कौन सा पर्वत किस प्रदेश में स्थित है, दूसरा उत्तर में स्थित पर्वतीय क्षेत्रों का क्रम क्या है उत्तर से दक्षिण, या पूर्व में स्थित जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनका पूर्व से पश्चिम क्रम क्या हो सकता है। तो मित्रों आज मैं इस बात पे भी डिस्कस कर लेता हूं कि हिमालय के अंतर्गत शामिल पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा। तो प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड एंड योर आईज ऑन द व्हाइट बोर्ड। प्लीज यहां पर देखिए कि काराकोरम पर्वत श्रेणी सबसे उत्तर में है, उसके दक्षिण में लद्दाख है, फिर उसके दक्षिण में जास्कर है, फिर उसके दक्षिण में पीर पंजाल है और फिर उसके दक्षिण में क्या है धौलाधर है। तो यहां से एक क्वेश्चन पुटअप होता है। दूसरा क्वेश्चन जो पुटअप होता है कि हिमालय महान हिमालय के अंतर्गत शामिल पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम क्रम क्या होगा। तो देख लीजिए सबसे पूर्व में नामचा बरवा है, फिर आपका सिक्किम है, सिक्किम में आपका कंचनजंगा है, फिर आपका मकालू है, फिर आपका माउंट एवरेस्ट है, फिर आपका मनसालू है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, नंदा देवी है। दैट्स ऑल, थैंक यू।